बैंजो केसी और हारमोनियम सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे सेट कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे मैं बैंजो केसी और हारमोनियम कुछ लेके नहीं बैठा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं आपको यहाँ पे कोई बात बताने वाला नहीं हूँ, कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। आज मैं आपको इसी चीज के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिस चीज को आप लोग दिमाग पे बसा के रखते हो। कोई भी गुरु जी वीडियो डालता है तो हम सिर्फ उसके वो वाले वीडियो को देखते हैं जिस वीडियो पे वो हारमोनियम लेके बैठे, केसियो लेके बैठे, बेंजो लेके बैठे, लेकिन हम उनके बातों को नहीं सुनते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम YouTube पे मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिनको पढ़कर मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि हम 4 साल से YouTube पे मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम आज तक केसियो बेंजो नहीं सीख पाए हैं। मैं हारमोनियम पे 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, सरगम कर लेता हूँ फिर भी मेरे से गाना नहीं निकल रहा। ये सब चीज किन कारणों से होता है ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब से जितने लोग सीख रहे हैं उतने लोग, उनमें से 50% आदमी परेशान है, उनसे गाना ही नहीं निकल रहा है। सरगम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो लोग राग थाट सब कर रहे हैं लेकिन गाना उनसे नहीं निकल रहा है। तो आप लोग यहाँ YouTube में सभी गुरु जी का वीडियोस आप लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए गुरु जी का वीडियोस हम लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे बहुत ही खास जानकारी मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे बहुत ही खास जानकारी मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ आएगा। आप लोग YouTube से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और सब प्लेयर बनना चाहते हैं, कोई केसियो प्लेयर, कोई बेंजो प्लेयर, कोई हारमोनियम प्लेयर। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई लोग YouTube पे 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे फिर भी वो आज तक गाना बजाने नहीं सीखे। कई लोग ऐसे हैं जो लोग 2 महीने हुए YouTube पे आए और वो लोग गाना बजाना सीख गए, वो लोग गाना बजा भी रहे हैं, ऐसे भी कमेंट आते हैं। मतलब कई लोग एक ही वीडियो को देखकर भी वो लोग गाना बजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ, उस बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं बेंजो केसी और हारमोनियम लेके नहीं बैठा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई गुरुजी का वीडियो आता है, नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, उस वीडियो को चालू करते हैं, वो गुरुजी सबसे पहले अपना परिचय देगा या इंट्रो दिया रहेगा, हम इंट्रो को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट वहां पे चले जाते हैं जहां पे वो केसियो हारमोनियम या बेंजो लेके बैठा हुआ होता है, ठीक है। वहां पे जब हम चले जाते हैं तो हमको सिर्फ इतना ही जानकारी मिलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है केसियो हारमोनियम बेंजो पे, और हम उसी चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बात बताने वाला हूँ, ठीक है। महाभारत देखे होंगे आप सब, चलिए देखिए महाभारत देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुने होंगे, ठीक है। महाभारत में क्या हुआ था, कौरवों के पास सब कुछ था फिर भी कौरवों ने युद्ध हार गया, और पांडवों के पास कुछ नहीं था फिर भी पांडवों ने युद्ध जीत लिया। देखिए कौरवों के पास धन दौलत सब था, पांडवों के पास कुछ नहीं था फिर भी वो युद्ध जीत गए। मैं इस चीज का बात का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पांडवों के पास जो था वो बहुत बड़ा चीज था, क्या था, पांडवों के पास था कृष्ण भगवान का एडवाइस। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे देकर, उपदेश दे देकर उनको युद्ध में विजय हासिल दिलवा दिया। यहाँ पे मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ, देखिए एडवाइस देने वाला अगर आपके लाइफ में है, अच्छी एडवाइस अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, यूट्यूब में जिन भी गुरु जी का वीडियो हम लोग अच्छे से देख रहे हैं उनके बातों को सुनिए, जो शुरू में इंट्रो दे रहे हैं उसके बाद वो क्या बोल रहा है इसको पहले सुनिए फिर आप उसके वीडियो को देखिए। लेकिन हम लोग वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट चले जाते हैं जहां पे वो बेंजो या केसियो हारमोनियम लेके बैठा है, हम उनके बात को नहीं सुनते हैं। वो बोलेगा इंट्रो जो डाला रहता है अपने वीडियो के फर्स्ट में, उनको हम नहीं सुनते हैं, डायरेक्ट हम उसके वीडियो के पास चले जाते हैं, देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कहां से समझ आएगा, हम तो सुन ही नहीं रहे ना। एक बात महाभारत का उदाहरण मैंने दिया तो महाभारत का उदाहरण एक बार और देता हूं, अगर अर्जुन वहां पे कृष्ण जी को बोले होते
कि आप मुझे उपदेश मत दीजिए, मेरे को युद्ध जीतने हैं, और युद्ध जीता जाता है शस्त्र से, ठीक है, शस्त्र और बल से युद्ध जीता जाता है। लेकिन अर्जुन ने वहां पर चतुराई के साथ, उसको पता था कि उपदेश सुनने में ही मेरी भलाई है, और उपदेश सुनकर ही अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं, एडवाइस, एक अच्छा एडवाइस आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम 3 साल से 4 साल से 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम वही गलती करते हैं ना, मैं जो बता रहा हूं आपको यहां पे वही गलती करते हैं। सीधा हम हारमोनियम, भाई बेसिक बातों को पहले जानिए ना, बेसिक बातों को अगर आप लोग जानोगे ना तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी YouTube में। अगर बेसिक बातों को आप लोग समझ जाते हैं ना, YouTube में वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिकली खुद से समझ जाएंगे कि मेरे को हारमोनियम पे करना क्या चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या है, वही सेम टू सेम प्रोसेस, कोई अलंकार कर रहे हैं, दूसरे के वीडियो में गए, वो बोले अलंकार मत कीजिए, अलंकार से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट गाना निकालिए। अब उसके वीडियो को देख के गाना निकालने लग गए, ठीक है, अलंकार को अधूरा छोड़ दिया, अब गाना निकालने लग गए, गाना निकाल रहे हैं, खुद से गाना निकाल रहे हैं, ठीक है, रियाज कर करके अब खुद से गाना निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, ट्यूटोरियल देख कर निकाले, उसको सरल लग गया, ट्यूटोरियल पे भिड़ गया, ट्यूटोरियल देख देख के बजा रहे, और वो जो अलंकार हम लोग छोड़ के आए थे उस पे तो हमारा ध्यान ही नहीं है ना, तो हमसे खुद से गाना निकलेगा ही नहीं ना भाई। देखिए अलंकार कीजिए, अच्छे से कीजिए, वही सबसे बड़ी फायदेमंद चीज है। मैं ये बात आज यहाँ पे खुलासा करना चाहूंगा, जब मैं बेंजो केसियो सीखा था शुरू में, 2.5 साल तक मैं सारे गामा पधानी सा कुछ नहीं जानता था, ठीक है, 2.5 साल तक मैं सारे गामा पधानी सा कुछ नहीं जानता था। और जब मैंने यूट्यूब पे जब वीडियो डालना चालू किया, शुरू शुरू में वीडियो डाला, जाकर देखना वहां पे, सारे गामा पधानी सा मेरे को पता नहीं था, कौन सा स्केल क्या है, कौन सा क्या चीज है, कुछ नहीं पता था। लेकिन यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बात बोलने वाले यहाँ पे गुरु जी मौजूद है, ठीक है, हारमोनियम गुरु जी है, बेंजो टीचर जीतू है, और भी बहुत सारे गुरु जी, सीखो सरल है, इन सब के बातों को सुनकर एक मन में भावना जगती है कि मैं अच्छा प्लेयर बन सकता हूं। और वो लोग यूट्यूब पे इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छा प्लेयर बन सके, तो उनके बातों को भी सुनिए। जितना आप ध्यान देते हैं हारमोनियम पे उतना ही आप उनके बातों को सुनिए, ठीक है। और रियाज सिर्फ हारमोनियम पे नहीं होता, दिमाग पे भी होता है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिए। सिर्फ हारमोनियम पे हम लोग रियाज करेंगे, दिमाग का रियाज ही नहीं करेंगे, हम अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, इन बातों का ध्यान रखिए। कोई भी गुरुजी अगर वीडियो डाल रहे हैं ना भाई, तो उसको शुरू से देखिए लास्ट तक, 10 मिनट लगता है, 10 मिनट का कॉमेडी वीडियो हम लोग ऐसी देख के डाटा खत्म कर देते हैं। और अगर कोई गुरुजी मेहनत से 10 मिनट का वीडियो बनाया है, 12 मिनट का वीडियो बनाया है, तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाला है, तभी वो 12 मिनट अपना वहां पे दिया है। तो 12 मिनट जब आपके गुरुजी ने आपको दिया है, तो आप भी 12 मिनट उनको दीजिए और वीडियो उनका पूरा देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि गुरुजी ने असल में सिखाना क्या चाहे। और उस वीडियो को पूरा अगर आप लोग देखते हैं ना, तो जो टॉपिक का बात वो गुरुजी वहां पे किया होगा ना, वो टॉपिक का बात आप 100% सीख जाओगे, इतना मैं विश्वास दिला, क्योंकि मैं यूट्यूब से खुद सीखा हूं, और यूट्यूब से मैंने सीखा, तो जो चीज मैं महसूस करता हूं ना, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये सब कमेंट आते हैं 2.5 साल से सीख रहे हैं, 3 साल से 4 साल से, मैंने तो इतना मेहनत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ 8 महीना 6 महीना इतना लगा था YouTube में। जब मैं वीडियो देखता था तो मैं भी सोचता था कि काश मैं भी YouTube पे वीडियो डालता, और मैं भी काश YouTube पे सिखाता, और मेरे से जो लोग सीखते वो लोग खुश होते, मेरे को जानते सब लोग, ऐसा मैं सोचता था, और वो चीज असल में हो गया। तो ये सब चीज होता है विश्वास से, अपने आप पे विश्वास रखिए, और जो आपको सिखा रहे हैं उनका रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी गुरुजी अगर कोई सिखा रहे तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरे को अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगा, ऐसा चीज है यहाँ पे। और ये देखिए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो चीज आपको व्यर्थ लगेगा, क्यों व्यर्थ लगेगा पता है, क्योंकि हम लोग सोच बना के रख लिए हैं जी, सोच बना के रख लिए, हमको आपको सीखना है हारमोनियम बेंजो केसियो, लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ तो कोई महत्व ही नहीं है ना। लेकिन मैं यहाँ पे, यहाँ जितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे ना, उनमें से कम से कम 30% लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज आपके भलाई के लिए, लेकिन इनमें से कई लोग ये समझेंगे कि मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ। तो भाई मैं बता दूं, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास ना इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको लेक्चर सुनाऊं, और ना ही मैं ये चीज नहीं करना चाहता, किसी को लेक्चर नहीं सुनाना चाहता,
प्यार से आप सबको ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग इतने दिन से सीख रहे हैं, दुख होता है, बहुत दुख होता है कि आप इतने दिन से सीख रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं। तो आप जितना जल्दी सीख जाओ, देखिए मेरे से सीखो या वो बड़े गुरुजी लोग किससे सीखो, सीखना तो सीखना ही होगा भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियोस को देखो करके, मैं आपको खुला में खुला बताता हूँ कि हारमोनियम गुरु का जो वीडियो है सीखो सरल, और भी बहुत सारे हैं, वो वीडियो इतना बेस्ट वीडियो लोग डाल के रखे ना अपने चैनल पे, जाइए देखिए और सीखिए बहुत अच्छे से। मैं खुद उनका प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे, सोचने वाली बात है, लेकिन क्या करूं मैं। आप लोग अगर नहीं सीख रहे हो, दिक्कत होती है बहुत, मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम कैसे होता है, और ये प्रॉब्लम मेरे को भी हुआ था, इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोई भी गुरुजी अगर वीडियो डाल रहे हैं तो उनके वीडियो को पूरा देखिए भाई, तभी आपको समझ आएगा कि उस वीडियो पे असल पे क्या चीज छिपा हुआ है। जैसे कि मैंने एक बार बताया था ना, जब पाठ को हम लोग पूरा पढ़ते थे ना स्कूल में, तब वो पाठ को पूरा पढ़े रहते थे और जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस पाठ से तो हम बता देते थे, लेकिन पाठ के शुरू को पढ़े, लास्ट को पढ़े और बीच का जो सवाल अगर आएगा तो हम नहीं बता पाएंगे। यही चीज होता है हमेशा, ठीक है। राग वाला वीडियो देख दे, थाट वाला वीडियो देख दिए, अब उसके बाद हमको ट्यूटोरियल सरल लग जाता है, राग थाट को छोड़ दिए, ट्यूटोरियल बनाने लग गए, ट्यूटोरियल को देख देख कर बजाने लग गए। मेरे को कई लोग कमेंट करते ट्यूटोरियल डालिए, ट्यूटोरियल जी जरूर डालूंगा ट्यूटोरियल, उसमें मेरा फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है, साफ साफ बताता हूँ। मेरा फायदा है, मेरे वीडियो पे व्यू आएंगे, ठीक है, एड लगेगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, 2-4 पैसे, लेकिन उसपे आपका कोई फायदा नहीं है। ट्यूटोरियल देख के बताते, ट्यूटोरियल देखने का आदि हो जाओगे, ट्यूटोरियल देखते ही रह जाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़कर कि ऐसा ना कीजिए। जिनका भी चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, कोई भी गुरुजी हो उनका अगर आता है तो अच्छे से देखिए, अच्छे से कीजिए और खुश रहिए, जल्दी से सीखिए, ऐसा मैं भी चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।